ख़त्म, केस ख़त्म, पैसा हज़म, नून लीग दफन कर दिया आसफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में, मौलाना फजल रहमान आके कुल पढ़ाए कल, किसी और को बुला लें। आपका लक्ष्मी चौक में आपका सियासी जनाजा निकला है। जब मैं कहता था कि ये शीन की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कोई हल नहीं है, शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठें आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक अहम फैसले इस मुल्क के हो जाएंगे। हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा इमरान खान जो मुल्क और कौम के मुफाद के मुनाफी हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम लोगों ने लोगों के जज्बात को समझ लिया है। गैर मुल्की एलामिया आया तो इमरान खान घर चला जाएगा, इमरान खान सबको घर भेज कर जाएगा। आज साबित कर दिया है कि इमरान खान का एलामिया जो है, उसका बयानिया जो है, वो घर घर में घुस गया है। इसलिए जितनी जल्दी कौमी असम्बली के इलेक्शन हो उतना बेहतर है। ना इनको कतर से कुछ मिलना है, ना सऊदी अरब, किसी ने टका नहीं देना इनको। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है और कौम ने गैर मुल्की साजिश को बल्ले से फेंट कर इमरान खान को खुदा ने इज़्ज़त दी है। और आज इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम की आवाज़ है। और वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत मसल्लत की गई थी, 25 केस हमारे ख़िलाफ़ थानों में एक जैसी रिपोर्टें थी, 7 में ज़मानत हुई। मैं अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया। मैंने इतनी घटिया थर्ड ग्रेड ज़ेनी पस्ती की शिकार और काबिले मजम्मत हुकूमत कभी नहीं देखी, जिन्होंने हमारी बहनों के, मेरी तीनों बहनों के घरों में रेड किए इस शख्स ने, जिसका नाम राना सनाउल्ला है। ये मुजरम और चोर और मुलजम मसल्लत किए गए, उसका नतीजा कौम ने देख लिया है, कौम ने तो दे दिया है। और ये टेलर चला, ये लेबॉरेटरी टेस्ट हुआ है अभी, और इनके लिए कोई रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ साहब, इनफ इज़ इनफ। आपके लाहौर में 4थी सीट भी ये जीत जाते अगर पीटीआई बेहतर फैसले में होती। आपके लाहौर के दिल से 3 जगह बल्ले ने आपको मारा 4 सीटों में। और कल नैप में बड़ी अहम तरमीम की, केस इमरान खान साहब ने किया, इसलिए मैं कल सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए पेश हो रहा हूं। इन्होंने ना सहाफत को बख्शा, ना सहाफ़ियों को बख्शा। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसने बड़े फ़ख्र से कहा कि जहां 500 आंसू गैस फेंकने की ज़रूरत थी, हमने 650 फेंके। और वो लोग जो मंशियात फरोशी में वज़ीर दाखला जैसे लोग और उजरती कातिल लोग इस मुल्क के स्पोक्स पर्सन बने थे, तो मैंने अपनी अजीम जानसार और पाकिस्तान की बावकार फौज को कहा कि ऐसे आदमी को कोई शख्स सलूट मारना भी पसंद नहीं करता। और कल के वोटों से एस्टेब्लिशमेंट, कल के इलेक्शन से एस्टेब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली है। कल के बावकार इलेक्शन से, गैर जानबदार, शफाफ और साफ इलेक्शन से अवाम में खुशी की लहर गई है। और अवाम की खुशी इसी में थी कि एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे। और एक आसफ जरदारी जो अपने बेटे को वज़ीर आज़म और ख़ुद सदर बनने के ख्वाब देख रहा था, वो भी आज हमारी कोर कमेटी की, इमरान खान साहब की जो 3 बजे मीटिंग है, उसके बाद 4 बजे उन्होंने भी मीटिंग रखी है। इनका ख्याल था यूएई से, सऊदी अरब से, कतर से इनको पैसे छैसे आ जाएंगे। अवाम का गला घोंटा है इन्होंने, जिस बुरे तरीके से IMF की इन्होंने डील की है, क्योंकि ये गैर मकबूल थे। 2 वोटों की इनकी अक्सरियत है, सिर्फ 2 वोटों की। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं, असम्बली तोड़ के इमिग्रेशन के दफ्तर में जाएं,
वहां ये असेंबलियां तोड़े, जो मॉडल टाउन का कातिल था 14 लोगों का, 80 बंदों को जख्मी करने वाला मलक अब्दुल जब्बार, जिसके खिलाफ आज हमने रिट किया लाहौर में अपने ना बुखार सुनन है, हमारे वकील हैं अज़र सदीक साहब से और इंतज़ार भंजोता साहब से, इन्होंने FIA में अपने बंदे लगाए, इन्होंने NAP में अपने बंदे लगाए, और ग्रेड 20 का आदमी 21 में लगाया, ताकि इमरान खान के साथियों को तंग किया जाए, ताकि इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं उनका जीना दोबर किया जाए। कहाँ गया आपकी प्रोपोगंडा मशीनरी? करोड़ों रुपया PTV ने खर्च किया इनके जलसों पे, करोड़ों रुपया। हम बड़े लोग हैं, हम माफ़ करेंगे हुक्मरानी में आके इंशाअल्लाह ताला, जब हुकूमत में इमरान खान आएगा। एक पर्चा बताए जो मैंने बतौर वज़ीर दाखला किया हो, और शहबाज शरीफ अब CDA का वज़ीर आज़म रह गया है। शहबाज शरीफ इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये 12 कोस से आगे जाएगा तो ख़त्म है, इधर रवात से आगे जाएगा तो ख़त्म है, इधर तरनोल से आगे जाएगा तो ख़त्म है। और जिस तरह हमने जो टाइम देखा है ये 2 महीने का 2.5 महीने का, उसमें आपने वो कुकड़ी कहाँ गया, वो कुड़क हो गया। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया है, सियासी तौर पर लाहौर में ज़बह कर दिया गया इनको। इन्होंने कौमी असम्बली से खौफनाक काम लिए, तरामीम की आइन में NAP के अपने कानून, ये आए इमरान खान पहले दिन से ये कह रहा है, ये अपने केस ख़त्म करने आए थे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि NAP की तरामीम के खिलाफ इमरान खान कल गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं NAP की तरमीम पे तो नहीं जा रहा, लेकिन ओवरसीज़ वोटर्स का हक दिलाने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह जीतूँगा अल्लाह के हुक्म से, जिस तरह मैंने पानामा केस जीता था 62 और 63 के तहत। आप देख लेना, 1 करोड़ वोटर है इमरान खान का, उसमें से 80-85% इमरान खान का वोटर है। ज़ाहिर है चोरों डाकुओं लुटेरों के भी कुछ वोट होते हैं। 400 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, 34% शरा महंगाई की बढ़ गई है, और सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि मुझे नहायत दुख से ये कहना पड़ता है कि तरसीलात कम हो गई बाहर से, फॉरेन रिज़र्व कम हो गए हैं। जो इम्पोर्ट LC खोलने जाते हैं उनको कहते हैं कि आप LC नहीं खोल सकते, कारखाने कैसे चलेंगे। सो मैं 5 मिनट की 7 मिनट की बात करता हूं हमेशा, ख़त्म केस, ख़त्म पैसा हजम, नून लीग दफन कर दिया आसफ़ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में, मौलाना फजलुर्रहमान आके कुल पढ़ाए कल। एक मिनट ठहर जो जैद साहब, मैं अभी टाइम देता हूँ, मेरा घड़ी पर आपसे ज़्यादा नज़र होती है, 1.5 मिनट पढ़ा है 10 मिनट में। मौलाना फजलुर्रहमान आए, वो तो खैर ख़त्म पे यकीन नहीं रखते, किसी और को बुला लें। आपका लक्ष्मी चौक में आपका सियासी जनाजा निकला है। जब मैं कहता था कि ये शीन की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कोई हल नहीं है जी, अब कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठें आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए, और केयर टेकर हुकूमत जो है, मैं बहुत पहले ये कह चुका हूँ कि अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक अहम फैसले इस मुल्क के हो जाएंगे, और मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम लोगों ने लोगों के जज्बात को समझ लिया है। पहले वो समझ रहे थे कि गैर मुल्की एलामिया आया तो इमरान खान घर चला जाएगा, इमरान खान सबको घर भेज कर जाएगा। इमरान खान ने आज साबित कर दिया है कि इमरान खान का एलामिया जो है, उसका बयानिया जो है, वो घर घर में घुस गया है। इसलिए जितनी जल्दी कौमी असम्बली के इलेक्शन हो उतना बेहतर है, पाकिस्तान के मुफाद में है।
कौम के मफाद में है, इनको किसी ने ढेला नहीं देना। अगस्त में आनी है किस्त IMF की, ना इनको कतर से कुछ मिलना है, ना सऊदी अरब से, किसी ने टका नहीं देना इनको। और अल्लाह सुबहाना ताला ने चाहा तो इमरान खान, ये इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि पंजाब में भी उसकी हुकूमत बनी है, एक कौमी हीरो के तौर पर आया है। 3 बजे जो कोर कमेटी में फैसले होंगे, वो PTI की इंफॉर्मेशन जो जो उनके मशीर हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वाले हैं, उनके जो मीडिया को देखते हैं, वो आपको आगाह कर देंगे। मेरे लिए कोई सवाल हो, मेरे 10 मिनट पूरे हो गए। हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेगा इमरान खान जो मुल्क और कौम के मुफाद के मुनाफी हो। IMF से बेहतर और मुनासब और अवाम के लिए बेहतर चीज़ें जो है वो मंजूर करेंगे। देखें, हमें माफ़ करना चाहिए। DG एंटी करप्शन तो 20 से 21 ग्रेड में उसने लगाया है राणे का। राणा ने अपनी तरफ से जो बकवासियात किए हैं उसका फ़ायदा भी हमें पहुंचा है। बाज़ औक़ात चुप रहना भी अकलमंदी होती है। अब कैसी चुप लगी है, रात 12 बजे से चुप हुए कि नहीं हुए? सांप सूंघ गया सबको। मीडिया वाले फ़ोन, हम उस वक्त भी मीडिया वालों को मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल थे और आज भी अवेलेबल है, इसलिए कि हमारे दिल में चोर नहीं था। ये कह रहे थे कि 16 सीटें हम लेंगे, PTI 4 लेगी। मैं कहता था इसका उलट होगा, जो मैं कहता था वही हुआ है, जो मैं कहता था वही हुआ है। और इस उजरती कातल की बात जो है अल्लाह ताला ने मुस्तरद की है, और हमें आजजी दिखानी है, हमें तकब्बर और घुमंड नहीं दिखाना। सादा सा केक काटेंगे इसके बाद, अगर कोई सवाल है तो कल। ऑफ कोर्स, अब आम इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें कौमी असम्बली को इंतखाबात की तरफ ले जाना है। ये लेबॉरेटरी टेस्ट था जिसमें कौम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दी। देखिए, जो इमरान खान ने फैसले करने हैं, मैं तो एक मेंबर हूँ छोटा सा कोर कमेटी में, PTI ने फैसला करना है, उसमें अगर कोई राय मुझसे मांगी गई तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन वो राय मैं मीडिया के सामने नहीं दे सकता, अल्लाह के फजल। मेरे मशवरे के बग़ैर ही इमरान खान का मुतालबा है कि कौमी असम्बली का इंतखाब कराया जाए। सर, आपकी जो बात तहरीक-ए-इंसाफ में दम हो चुकी है, भाईजान इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जमात मेरी छोटी सी है, वो ज़िंदा रहे तो ठीक है, वो किसी के लिए रुकावट नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं करती और उसका फ़ंड भी सिर्फ 7,000 रुपये है, इसलिए उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता, मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को इस इलेक्शन में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी मीडिया के ज़रिए, कोई मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि लोग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा देखना चाहते हैं। और 25 तारीख को जो कुछ इस्लामाबाद में एक सेक्शन ने किया वो गलत किया था, उसकी मैंने खुद उनके शिकायत की। थैंक यू वेरी मच एवरी। पहले लड़ लो तो सी आप, मैंने कोई काम, शेख साहब बहुत खुश नहीं रहते। चलो जी, फोटोग्राफर हूँ पीछे हो जाए, आ जाए पीछे हट जाए। शेख साहब उसी तक कला कमा कर देता है। 16 सीटां दे 16 चलें ले।